हे व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं क्रीना एंड गाइस, जैसा कि आप लोग देख सकते हो भाई, हम लोग का आ चुका है एक नया इवेंट। एंड इस इवेंट के अंदर में हम लोग पढ़ने वाले हैं गाइस टोटल 12,000 ए कॉइंस का। और ये इसलिए पढ़ रहा है बिकॉज आप देखो यहाँ पे आगे इसका जो प्राइसिंग है वो 0.03% इसकी प्रोबेबिलिटी है। मैंने प्राइसिंग बोल दिया, प्रोबेबिलिटी 0.03% है गाइस इसकी। एंड उसके हिसाब से यहाँ पे 30 क्रेट्स हैं। अगर आप हर एक क्रेट को खोलोगे तो आपको 400 कॉइंस इंटू 30 लग के यानी कि 12,000 ए कॉइंस का मैक पड़ जाएगा, जो कि गाइस बिल्कुल भी अच्छी डील नहीं है। बिकॉज ये मैक अच्छा है, नो डाउट कि ये मैक अच्छा नहीं है, कोई भी नहीं बोलेगा इसको। बहुत बढ़िया मैक है, काफ़ी सही है मतलब। एंड गेम प्ले वगैरह भी काफ़ी अच्छा होता है इससे, और इसकी एबिलिटी जो है वो काफ़ी डेडली है, तो बहुत प्लेयर्स इसका यूज़ करते हैं। बट गाइज, अगर आपके पास मतलब थोड़ा टाइम है, अभी आप रुकना चाहते हो तो आप प्लीज़ रुक जाओ, इसके ऊपर वेस्ट मत करना। ये मैक थोड़े टाइम बाद ही अवेलेबल हो जाएगा गियर आपके अंदर, जहाँ पे इसका प्राइस होगा 9,375 ए कॉइंस का। गाइज, बैटल हो चुकी है स्टार्ट। एंड भाई प्लेयर्स देखो एक बार तो, सभी अब स्ट्रॉन्ग रैक्स लेके आने लगे। मैंने बहुत सारे प्लेयर्स को देख लिया स्ट्रॉन्ग रैक्स यूज़ करते हैं। एंड गाइस, नो डाउट हम भी अभी दोनों स्ट्रॉन्ग रैक अनलॉक करने वाले जो क्रेडिट्स में अवेलेबल हैं, दैट इज स्ट्रॉन्ग रैक 16 एंड 10। और ये होने वाला है एक या दो दिन के अंदर अंदर ही। सो अभी आप इस गेम प्ले को इन्जॉय करो गाइस। दो प्लेयर उस साइड है, दो प्लेयर इस साइड है, तो बिना कंफ्यूजन किस साइड है भाई, वो बंदा दिखा दो। वो यूज़ कर रहे हैं स्मोकी बैट, नाम तो बंदे का खतरनाक था, और यहाँ पे एक प्लेयर है। मैं फुल ट्राई करूँगा इसको पहले ही मार दूँ, चीता ही है ना, वो भी एक चीता है। और दो प्लेयर उस साइड से आ रहे हैं, चीता इज डेड, वन प्लेयर इज देयर ही इज आल्सो डेड, कैट लेडी और एक प्लेयर ये रहा, एक गाइस और एंड हो रहा हमारे सामने। गाइस ये ना एक इस गेम की आप ध्यान रखना बात की ना, जहाँ पे रियल प्लेयर होता है ना वहाँ पे मैक्सिमम प्लेयर्स आना स्टार्ट कर देते हैं फोर्स हमारे टीम से, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखने के लिए। और उसमें दो शॉट में उसको डैमेज क्यों नहीं पड़ा, ये तो गया इजी डेड है। बढ़िया कैट लेडी है, तीन प्लेयर को दिख रहे हैं इस टाइम। पहले मैं कैट, भाई ये आर पार हो गया उस चीज़ की, अजीब ही सिस्टम चल रहेगा इसी गेम के अंदर। बच्चों को दीवारों में कोई स्पोर्ट्स को पता नहीं कि दीवार नाम की कोई चीज़ होती है। सामने गाइस हमारा रैम्पेज हो चुका है एंड स्मैकडाउन भी मिल चुका है गाइस हमें रेज को तीन बार मारने के लिए। और अभी मैं इसको मारूंगा और ये मेरा उसको करना चाहिए था भाई। गोड लाइक गाइस, गोड लाइक, गोड लाइक हो चुका है अभी। एंड 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 11th किल आ सकता है ओरियन का हमारे साथ। लो गाइस नर्मिसिस भी मिल चुका है भाई हमें। एंड अभी एक प्लेयर ऊपर है और इस टाइम काफ़ी खतरनाक सिचुएशन में हूँ गाइस, कि एक प्लेयर ऊपर एक प्लेयर को सामने से आ रहा है और वो यूज भी डिस्क लॉन्चर्स कर रहे हैं, तो थोड़ा सा सिचुएशन। एंड मैंने उसको मार दिया, ह्यूमिलेशन भी मिल चुका है मेरे को उसके लिए। और एक प्लेयर पहले मैं सेंटर बिगन के पास चलता हूँ बिकॉज ये हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल है। बट वहाँ पे है गाइस डेथ बुकर एंड एज यू नो वी कांट टेक डाउन दिस मैन इजीली। आई थिंक उसकी एबिलिटी हो चुकी है ख़त्म बिकॉज उसने यही कहीं अपनी एबिलिटी ऑन की थी। चलो कोशिश करते हैं उसको, नहीं नहीं उसकी एबिलिटी ख़त्म नहीं गाइस, ये रही उसकी एबिलिटी। वैसे अगर ऐसा होता ना, नहीं चलो ख़त्म हो गया वो एबिलिटी, ख़त्म करती बॉस ने मार दिया उसको। मेरे माइंड में ना सिक्कर वाला सिस्टम था गाइस इसके लिए भी, भाई ये रोमिंग करने वाला सिक्कर होता अगर। अभी देखो गाइस उसे कितने शॉट्स यहाँ से मार रहे हैं मेरी शील्ड गिरने के बावजूद भी। अच्छा मेरे टीम वाले के भी और उसके गोले कितने आ गए। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स गाइस काफ़ी होती हैं। पैंथर की शील्ड लगने के ना कुछ सेकंड बाद ही डैमेज मतलब ब्लॉक होती है, उससे पहले तक डैमेज नहीं होती है। और ये जनरली 0.5 से 1 सेकंड के बीच की बात होती है, बट कई मैचेस में काफ़ी ज़्यादा मतलब या मायने रखती है यार ये चीज़ भी। गाइस हम आ चुके हैं अपनी सेकेंड बैटल के अंदर अभी की, और पिंग यार पता नहीं क्यों आ रहा है। अभी थोड़ी देर तक पहले ना गाइस बिल्कुल सही चल रहा था नेट, अब पता नहीं क्यों पिंग आने लग गया है। बट हम हैंडल कर लेंगे यार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इस बार भी गोल्ड लेग लेके जाना है गाइस, उन्होंने तो एक कंट्रोल पैड में कैप्चर हो गया, एक हमारा भी कैप्चर हो गया। एंड देयर वी गो, हमारा भी सेकंड कैप्चर, उनका भी सेकंड। तो अभी मैच तो यार टक्कर के ऊपर है पूरा, तो उनका एक प्लेयर आ रहा है एंड ये रेडॉक्स है, सर जाएगा इसमें। आई थिंक मैं इसको ब्लॉक कर दूंगा बिकॉज या मैं अपनी शील्ड की दूसरी तरफ था। बढ़िया हमारा पहला किल आ चुका है गाइस इस मैच का, और चीता भी इजिली किल हो जाएगा सामने को रहा है। एंड इसको मारती भाई मेरे को मिल जाएंगे ट्रिपल किल मिलेगा, नहीं मिलेगा ट्रिपल किल नहीं मिलेगा, किलिंग स्पेयर मिल चुका है गाइस। बट आई डोंट थिंक कि मेरे को ट्रिपल किल मिलेगा बिकॉज थोड़ा सा लेट हो गया मारने में। भाई इस बंदे ने हमारा एक कैप्चर कर लिया कंट्रोल में
एंड मेरे को ना उसके पास वेपन है डीएलओ। आई थिंक आई कैन हैंडल दिस गाय। ग्रेट ह्यूमिलेशन गाइस, हमें मिल चुका है हमारा पहला ह्यूमिलेशन। एंड अभी मैं पहले कैप्चर कर देता हूँ, सामने देखो एक साइफर दिख रहा है, थोड़ा सा बैक लेके मैंने देने की कोशिश करूँगा। ग्रेट गाइस, पैंथर मर चुका है, साइफर तो नहीं मिला और इसी के साथ हमारा डोमिनेटिंग भी पूरा हो चुका है और हमें एक और ह्यूमिलेशन मिल चुका है। साइफर ये रहा, थोड़ा सा आगे आजा भाई, थोड़ा सा आगे साइफर। ग्रेट इज डेड, हमें अपना थर्ड ह्यूमिलेशन मिल चुका है गाइस। सामने से दो प्लेयर आ रहे हैं जिनमें से एक पैंथर है, एक बार ये पीछे घूमे और हल्का सा पीछे घूमे, बढ़िया। एंड देयर वी गो, हमें अनस्टॉपेबल भी मिल चुका है गाइस। सामने भाई ये बंदा एमपी हो रखा है जो कि है ब्रिक हाउस। ओके, ब्रिक हाउस यहाँ पे है और 5-6 प्लेयर हैं भाई अभी, पर मेरे को दिख ही रहा है वो भी यहाँ पे। ये रहा ब्रिक हाउस, तो यहीं पे घूम रहे हैं। गोल कहाँ गया ब्रिक हाउस, हमने डायरेक्शन चेंज कर दिया। ये रहा ब्रिक हाउस, ये रहा यहीं पे है भाई। और गाइस सामने एक बंदा, ये रहा ब्रिक हाउस को, तो मैं इसलिए मार दूँगा इस बंदे को, हमारे थोड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। इसको गाइस मैं एक शॉट मार चुका हूँ, जब आपने देखा ही होगा। एंड इज डेड, मैं अपने शॉट्स वेस्ट नहीं करना चाहता गाइस, जिससे मैंने उसको इतना टारगेट नहीं करा। बट या आई विल ट्राई टू किल दिस किल शॉट। ग्रेट, मरा तो नहीं वो, बट या असिस्ट भी नहीं आया। 8 किल हो चुके हैं गाइस हमारे, और अभी हमें बस अपना रैम्पेज और गोल्ड लाइक चाहिए। ग्रेट, रैम्पेज इज हियर गाइस, रैम्पेज हमें मिल चुका है। एंड ये हमारा गोल्ड लाइक, स्पेशली टुकी में बड़ा गोल्ड लाइक ज्यादा। गोल्ड लाइक इज हियर गाइस, 11th किल हो चुका है हमारा और स्मैक डाउन भी मिल चुका है। नर्मिसिस देखने के लिए देर बाद हमें मिलेगा, आई थिंक नर्मिसिस हमें मिल जाना चाहिए अभी। एंड इस बैशन को मारने से तो कुछ मिलेगा ही। ग्रेट गाइस, बैशन को मारते हैं, हमारा नर्मिसिस भी हो चुका है कंप्लीट। और अभी सामने मेरे को दो प्लेयर्स दिख रहे हैं, तो मैं हैंडल कर पाऊंगा या नहीं कर लूँगा आई थिंक सो। ग्रेट, एक डेड, सेकेंड डेड करने में थोड़ा टाइम लगेगा बिकॉज उसके पास शील्ड्स थी। अल्लो तो शील्ड्स, 1 lakh डैमेज पड़ने के बाद भी गाइस वो मरा नहीं, बटा मर चुके हैं और इसके साथ बैटल भी हो चुकी है ओवर। तो गाइस ठीक है, आप लोग बताना आप लोग कैसा लगा गाइस ये नया वाला इवेंट एंड ये गेम प्लेस कैसे लगे। मैं मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय, सी यू वेरी सून।